हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि हमें ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं, तो उस बारे में आप फटाफट से डिस्कशन करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या आपने 100% दिया। अगर आपको लगता है कि आपने 100% दिया है और उसके बावजूद भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा जो आपका डिजायर्ड था, मतलब नंबर कम आ रहे हैं या सिली मिस्टेक्स हुई हैं या जो भी रीज़न है, मतलब आपको लग रहा है कि आपका डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है और मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो मेरी सजेशन है कि प्लीज आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अपना 100% दिया, आपने पूरी मेहनत करी है, तो उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर क्या गारंटी है कि नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं होगा, है ना। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर फिर ऐसा ही हो जाए, तो साल खराब करने का कोई फायदा नहीं है। और गेट बहुत अनसर्टेन एग्जाम है, कोई सर्टेन नहीं है, क्या कुछ है, ऐसा नहीं कह सकते कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। रिपीटेशंस तो बहुत कम होती हैं, आपने खुद भी देखा होगा, इस बार तो खैर काफी अलग पेपर आया था, मैंने काफी स्टूडेंट से सुना है। तो प्लीज मेरी सजेशन है कि आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ और देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपका एम हाई था, IITs का था, बट NITs मिल रहे हैं, तो उनको ले लो, वहां जाके और मेहनत कर लेना, ठीक है। तो मेन डिफरेंस ही रहता है अच्छे कॉलेज में और थोड़े से जो लो ग्रेड कॉलेजेस हैं, मेन डिफरेंस यही है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती हैं अच्छे कॉलेज में, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्लेस्ड होंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ गूगल आई, गूगल वहां से अगर IIT बॉम्बे आ रही है तो 10-12 स्टूडेंट्स ले जाएगी, और किसी NIT में जा रही है तो 2-3 स्टूडेंट ले जाएगी, वो सब डिपेंड करता है ना, पर आएगी तो सही ना, ठीक है। तो आप अगर एक दो स्टूडेंट्स लेके जा रही हो तो आप वो एक दो में से हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी का डिफरेंस होता है और कोई खास डिफरेंस नहीं होता बड़े कॉलेज में और छोटे कॉलेजेस में। तो आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए और आप एडमिशन ले लो जहां भी आपको मिल रहा है, ठीक है, या जो भी आपका मन है, जो भी आप आगे प्लान आउट कर रहे हैं वो कर लो, बट साल खराब मत करो, मेरी ये सजेशन रहेगी। अच्छा, एक ये कैटेगरी होगी कि आपने 100% दिया और उसके बावजूद भी आपका रिजल्ट नहीं अच्छा आया, और दूसरी कैटेगरी ये बनेगी कि आपने अपना 100% दिया ही नहीं, ठीक है। तो वो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। देखो, पहली बात तो ये, आप अपने मन से ये सोचो, क्या आप डेली 6 से 7 घंटे पढ़ पाएंगे, और आपके मन में है पढ़ने की इच्छा बहुत ज्यादा, तो आपको ड्रॉप करना चाहिए, नहीं तो ड्रॉप मत करो। ड्रॉप करते टाइम देखो फ्रस्ट्रेशन बहुत आएगी, पूरा साल होगा आपको, पूरा साल लग के मेहनत करनी है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप ड्रॉप करें उसके बाद भी 1,000-2,000 रैंक ला रहे हैं तो उसका कोई खास फायदा नहीं है, आप भी खुद समझ पा रहे होगे। एक साल आप खराब करें उसके बावजूद भी अच्छी रैंक ना आए तो फायदा नहीं है। टॉप 100 रैंक का एम अगर आप रखेंगे तो आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। तो अगर आप रेडी हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इस सब चीजों के लिए, तो आप मेहनत ड्रॉप करो, अदरवाइज ड्रॉप करने का फिर कोई फायदा नहीं बनता है, ठीक है। तो कैसे पता लगाएं, ये भी मेरे पास काफी मैसेजेस आते हैं कि मतलब अभी तो बहुत मन कर रहा है, बाद में हमारा मन मतलब नहीं करेगा। तो उस सब का वे आउट ये है कि आप 2-3 दिन आराम से बैठ के सोचो, बिल्कुल टेंशन फ्री होके कि मुझको क्या करना चाहिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको अगर कहीं बाहर जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, तो 10-15 दिन बैठ के पूरी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि यहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ से मतलब ये ट्रेन लेंगे या ये फ्लाइट लेंगे और फिर आगे यहाँ घूमेंगे एंड सो ऑन, बहुत कुछ आप प्लानिंग करके जाते हैं ना, करके जाते हैं ना। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई की बात आती है तो प्लान आउट नहीं किया जाता। तो ये वर्ड मतलब बहुत हार्श वर्ड्स हैं, बट ये एक्चुअली बहुत बड़ी रियलिटी है इंडियन स्टूडेंट्स की, कि ये वो ले रहा है ना कंप्यूटर साइंस, तो चलो मैं भी कंप्यूटर साइंस ले लेता हूँ, उसने ये किया है, इस रिलेटिव के स्टूडेंट, इस रिलेटिव ने ऐसा ऐसा कुछ किया था या इस फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा किया था, चलो हम भी यही कर लेते हैं, बिना सोचे बिना समझे डिसीजंस लेते हैं, जिसके कारण फिर आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो अच्छे से बैठ के आराम से सोचो, क्या मैं ये सब कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो आपके अंदर से खुद से जवाब आएगा। एक बात याद रखना, इंसान हर एक को बेवकूफ बना सकता है लेकिन खुद को नहीं बना सकता, ठीक है। सबको पता होता है कि मैं कितना पाने में और मैं कितना क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए अपने मन से आपकी आवाज आनी चाहिए कि मैं करूंगा और मैं कर सकता हूँ, तो आप ड्रॉप करना। उसके बाद तो फिर सारा खेल प्लानिंग का होता है, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। जैसे आपके पास अराउंड 10 to 11 months हैं, तो 7 months के अराउंड में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। कुछ सब्जेक्ट्स तो आपको ऑलरेडी आते होंगे, तो ऑन एन एवरेज 15 to 20 days हर एक सब्जेक्ट को दो, उसके हिसाब से प्रॉपर प्लान आउट करो चीजों को, तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। बट एक विलिंगनेस अंदर होनी चाहिए, अगर आपका पढ़ने का मन ही नहीं है फिर तो ड्रॉप करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली दो कैटेगरी डिस्कस करी है, एक कैटेगरी जिन्होंने 100% दिया उसके बाद भी नहीं हो पा रहा उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, दूसरी कैटेगरी 100% नहीं दिया तो आप सोचो मन है तो आप ड्रॉप करो, अगर मन नहीं है तो आप प्लीज बिल्कुल ड्रॉप मत करो, आप ये सब छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, एक बात और, कुछ स्टूडेंट्स मेरे को ये भी कह रहे थे कि फाइनेंशियली हम बहुत वीक हैं तो
हम क्या करें, हमारा मन है ड्रॉप करने का। तो देखो, अगर आप बहुत सीरियस है ना पढ़ाई को लेकर के, तो आप एक छोटी सी जॉब कर लो कॉल सेंटर में या कहीं पे भी जहां से आपको ठीक लग रहा है, ताकि आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग चलती रहे साथ साथ, और मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मतलब आपको थोड़ी अर्निंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि आपको सर्वाइव करना है, और साथ साथ गेट की तैयारी भी करनी पड़ेगी। मन को हमेशा यही समझाओ कि ये बहुत छोटी जॉब है, मेरे को आगे बहुत बढ़ना है, मेरे को आगे बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी और आप कर भी पाएंगे। ठीक है, तो यही मेन था आज का टॉपिक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एक बात और, जैसे हमने भी डिस्कस किया, आपके मन से आवाज आ रही है कि आपको ड्रॉप करना चाहिए, आपने खूब सोचा और आपको लग रहा है कि हमें कर लेना चाहिए ड्रॉप, लेकिन आप इस बात से डर रहे हैं कि आपको ऑलरेडी 2 साल हो गए हैं या 3 साल हो गए हैं ड्रॉप किए हुए, तो कैसे बात बनेगी, या आपने काफी साल जॉब करी है उसके बाद आपने ड्रॉप किया, आपका फिर भी नहीं हो रहा, और बट मन से आवाज आ रही है कि मैं कर सकता हूँ, तो प्लीज मेरे हिसाब से आपको ड्रॉप कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई मैटर नहीं करता एक्चुअली कि किस एज में आप क्या कर रहे हैं। एक्चुअली देखो, एक सिंपल मैथमेटिकली रूल मैं आपको बताता हूँ, 1/4 एज तक इंसान पढ़ाई करता है, और 3/4 एज जो उसकी बाकी बचती है उसमें उससे वो अर्निंग करता है। तो जितनी अच्छी आपकी पढ़ाई होगी, ऑब्वियसली आपकी अर्निंग भी उतनी अच्छी होगी, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 1-2 साल से, क्योंकि एवरेज एज क्या है, 80-85 तक है। अब मेडिकल साइंस और इंप्रूव हो रही, तो आप समझ लो एज और बढ़ जाएगी आगे चल के, है ना। तो फिर आपको लाइफ टाइम ये रिग्रेट रहेगा कि शायद थोड़ी सी उस टाइम मेहनत कर लेता तो शायद मैं कुछ और हो सकता था लाइफ में, है ना। तो इसलिए 1-2 साल कोई खास मैटर नहीं करते हैं, तो मत सोचो कि साल और लग जाएगा, 2 और लग जाएंगे, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और एक डायलॉग मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, थोड़ा सा हार्श डायलॉग है तो सॉरी फॉर दैट, कि चिल्लड़ कमाने की सोचोगे ना, सारी उम्र चिल्लड़ कमाओगे, ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। मतलब 20-25 हजार की नौकरी करोगे, अगर आपका मन अभी सिर्फ यही है, आप कहीं भी ये कि 20-25 हजार की नौकरी कर लूँ बहुत है, तो सारी उम्र आप इसी पे रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हमेशा थोड़ा ड्रीम अच्छा रखो, बड़ा रखो, तो आपको उसको अचीव करने में मजा भी आएगा और आप उसमें ताकत भी लगाओगे। ठीक है, छोटा एम रखने से कोई खास फायदा नहीं होता। ओके, तो मेरी सजेशन यही रहेगी, स्टिल यू शुड ड्रॉप, बट मन से आवाज आनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।